शाहजहांपुर में आज योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शाहजहांपुर की जनता का शुक्रिया अदा किया। विधानसभा में सभी सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए साथ ही उन्होंने आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी भी सौंपी। साथ ही कोरोना काल में अपने परिजनों को गंवाने वाले बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान उन्होंने 310 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। जी की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत तमाम योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश की जनता टॉप टेन में आते दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए और प्रदेश की जनता को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से देखा जा सकता है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। वो कार्यों के लिए नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना निर्माण करना है तो अब योगी आदित्यनाथ जी है कार्यकर्ता कर रहे हैं इस जिले का। यह मैंने देखा है अपनी आंखों से विभाग में काम करते हुए जहाँ मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में उसकी रूपरेखा और रचना रखी। और जहाँ तक शाहजहांपुर का सवाल है, शाहजहांपुर में भी ऐसे ऐसे विकास के काम और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका कि यहाँ पश्चिम